अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नज़र। नवादा के रामनगर से एक घर से 125 लीटर विदेशी शराब जब्त, एक गिरफ्तार। मामला नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के रामनगर से जुड़ा है, जहां नवादा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक घर से कुल 125 लीटर शराब बरामद किए हैं। बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली कि रामनगर के कृष्णा प्रसाद के पुत्र राहुल कुमार अपने घर से ही अवैध शराब की बिक्री करता है, जिसके बाद छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने रॉयल स्टैग के 375 ml के 30 पीस, 750 ml की 13 पीस, इंपेरियल ब्लू की 375 ml की 40 पीस, स्टार्लिंग रिजर्व की 375 ml के 13 पीस, गॉडफादर की 500 ml की 143 पीस बियर, किंग फिशर की 500 ml की 24 पीस बियर बरामद किया है। उपरोक्त तथ्य की जानकारी प्रदान करते हुए SDPO अनोज प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार शराब कारोबारी पर सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। ने भी कहा कि नवादा पुलिस अवैध शराब निर्माण में बिक्री के विरुद्ध छापेमारी अभियान चला रही है। कोई भी लोग अवैध शराब का कारोबार करते हैं तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। सुनिए क्या कहते हैं SDPO अनुज कुमार। अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार दुर्गा पूजा को लेकर के विशेष अभियान दारू को बरामदगी और उसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी के लेकर चलाया जा रहा था। उसी क्रम में आज जो है नगर थाना पुलिस इंस्पेक्टर और उनके पदाधिकारी के द्वारा रामनगर में छापामारी किया गया। राहुल कुमार के घर से 125 लीटर विदेशी शराब, जिसमें बियर भी है और वॉयल स्टेट का बोतल भी बरामद किया गया और अभियुक्त राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। कहाँ का रहने वाला है? रामनगर का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? राहुल कुमार।